नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉगिन किया है टॉप न्यूज। हमारी टीम की मेहनत अगर पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर पास में मौजूद बेल के बटन को दबाएं। धन्यवाद। श्रावस्ती संयुक्त जिला चिकित्सालय में युवाओं से फिटनेस के नाम पर अवैध वसूली जारी, सीएमएस बने अनजान। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार भले ही यूपी के जिला चिकित्सालय को संदर्भित कर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य देने की बात कर रही हो, परंतु उसके जिम्मेदार लोगों की उदासीनता के चलते आए दिन यहां चिकित्सालय मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं। ऐसा ही एक मामला यूपी के श्रावस्ती जनपद के मुख्यालय भिंगा स्थित संयुक्त जिला चिकित्सालय का है, जहां पर फार्मेसिस्ट की 3 माह का अंडर ट्रेनिंग के बाद युवक मोहित को वहां से हटा दिया गया था। फिर भी संयुक्त जिला चिकित्सालय में युवक द्वारा रिश्वत लेकर फिटनेस बनवाने का मामला सामने आया। दरअसल आईटीआई में प्रशिक्षण हेतु प्रवेश के लिए युवाओं को फिटनेस की आवश्यकता पड़ती है, जिसे बनवाने हेतु कई युवक जिला चिकित्सालय गए। उन युवकों से अस्पताल में फार्मिस्ट के बाद अंडर ट्रेनिंग कर रहे युवक मोहित द्वारा फिटनेस के नाम पर धन उगाही का वीडियो सामने आया है, जिसको लेकर प्रभारी सीएम डॉक्टर प्रदीप कुमार ने जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि उक्त युवक मोहित अंडर ट्रेनिंग में था, जिसे अब हटाया जा चुका है, जबकि वे उस समय भी अस्पताल में मौजूद था। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या उक्त युवक मोहित किसी के कहने पर ही ये कार्य कर रहा था या अपनी मर्जी से धन उगाही कर रहा था। मोहित नाम का एक लड़का है, उसको जो है फिटनेस बनाने के नाम पर जो है रुपया लेते हुए वीडियो उसका वायरल हुआ है, क्या कहना है आपका? ये मोहित लड़का जो है पहले फार्मेसी ट्रेनिंग था यहाँ पर, तो इसकी ट्रेनिंग ख़त्म हो चुकी है और इसको हटाया जा चुका है, यहाँ पे अभी है नहीं। ये बाई चांस आ रहा होगा तो उस दिन का वीडियो होगा, और अगर फिर भी यहाँ देखता है तो इसे रहने नहीं दिया जाएगा और इसको तुरंत यहाँ से। श्रावस्ती से टॉप न्यूज के लिए प्रदीप गुप्ता के साथ कैमरामैन संतोष शाहू की रिपोर्ट। देखते रहिए टॉप न्यूज। जय हिंद, वंदे मातरम।